दोस्तों, इस एनिमी का नाम है सुप्रीम स्वॉर्ड और एक न्यू सीरीज एनिमी है। तो इस एनिमी को पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट कर और भी ज्यादा वीडियो बनाऊँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मंदिर के बाहर कई सारे लोगों को एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए दिखाया जाता है। असल में इस मंदिर पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और यहाँ से खजाना लेना चाहते है, और इसमें कैसा कास्ट का है ये आगे हम पता चलेगा। और मंदिर के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर को श्रद्धांजलि दे रही होती है, और हमें पता चलता है कि मास्टर ने आखिर ऐसा क्यों दिखाया था। और इस लड़के के पीछे इस मास्टर का सोल को दिखाया जाता है। इस मास्टर का सोल किसी को भी नहीं दिख रही होती है। इस मास्टर का नाम है सुजी अंजुन है। अब वहाँ एक बांस को उड़ते हुए देखा जाता है और हमें पता चलता है कि मास्टर जिंदा होने वाला है। अब लड़ते हुए सैनिक जो इस खजाने को लेना चाहते हैं वो कह रहे होते हैं कि सुजी अंजुन ने ये खजाना हमसे चुरा कर यहाँ रख दिया है और इसे हम वापस लेकर ही रहेंगे। वो कहकर फिर से बांस पर अटैक कर देते है, क्योंकि इस बांस ने भी सुजी अंजुन की मदद करके कब बुद्धा जैसे पवित्र वादर को मौत घाट उतारा था। अब मास्टर याद करता है 80,000 साल पहले इस बांस ने 10 रात 10 दिन लगातार मेरी रक्षा के लिए बिना रुके युद्ध किया था। इस बांस ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। वहीं बार वो सैनिक उस बांस से युद्ध करके उसे पकड़ लेते हैं। कुछ सैनिक मंदिर के अंदर भी आने लगते हैं। ये सैनिक इस लड़के का बहुत कास्ट था और उस लड़के से कहते हैं, छोटी बहन, तुम मास्टर को खजाने को पिछले 7 दिनों से रखवाले कर रहे हो, लेकिन अब तुम चिंता मत करो और इसको हमारे हवाले कर दो। इस पर लड़की उसे कहती है, मास्टर के मरने से पहले हम 9 उत्तराधिकारियों को यहाँ रक्षा करने के लिए छोड़ा गया था, और तुम्हारी जगह यहाँ और कहीं होनी चाहिए, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। उस सैनिक ने इसे धमकाने लगते है और लड़की भी समझ जाती है और वो भी अपनी विल स्माइल देते हुए कहती है, तुम बहुत समझदार। उस सैनिक के निर्णय कहते हैं, लेकिन आज मैं 9 सोल्ड को लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर उस सैनिक ने उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। उस लड़की ने भी अपनी तलवार से उनसे पाइट कर और वो लड़की इनको आसानी से हरा देती है और अपने स्वार से उस लीडर को बहुत ही दूर फेंक देती है। लीडर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अपने लीडर को उठाने के लिए उस सैनिक इसके पास आ जाने लेते है और उसे कहती है, आप ठीक तो है ना। तो लीडर उनसे कहता है, उसे मार डालो। उस सैनिक ने मिलकर उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगते है। लड़की भी उन सबको हरा देती है। तभी लीडर उठकर अपने स्वार का एक टेक्निक यूज करने लगता है, जिसे देखकर उस लड़की अपने स्वार से उसे रोक देती है और उनके पास आकर उसे बुरी तरह से मारने लगती है और अपनी तलवार से उसे पेट में घुसा देती है। लड़की भी एक एक करके सभी को मारने लगते है और ये देखकर कुछ सैनिक इसके सामने झुक लेते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं और हमें पता चलता है कि एक विन है। अब लड़की अंदर जाने लगती है और कहती है, मैं 7 दिनों से आपके ताबूत को रक्षा कर रही हूँ, लेकिन ना जाने कब तक ऐसा कर पाऊँ मैं इस तरह से आपके ताबूत की रक्षा कर पाता। हमने पहले अंतिम संस्कार नहीं किया था और आपके आने के इंतजाम किया है, आपको आना ही पड़ेगा। ये कहकर वो ताबूत को खोलती है, लेकिन ताबूत के अंदर कुछ नहीं होता और ये देखकर वो काफी जैसे शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जिस चीज की रक्षा कर रही है उस चीज वहाँ पर मौजूद नहीं, वहाँ 9 स्वॉर्ड भी नहीं थी। अब मास्टर की सोल इसे देखकर हंसने लगती है। मास्टर इनसे कहती है, तू मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, आशा है कि मैं वापस लौटूंगा, तब तक तुम जिंदा रहोगी। दोस्तों, इस एपिसोड यहाँ पर कम्प्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।